कभी देखा है धूप में खड़े तन्हा शजर को, ऐसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। चांसेस तो बहुत कम है लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। 75 पाउंड्स। आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड ड्राइवर बट ही इज अ क्रैप ड्राइवर। And welcome back to my channel. आज का व्लॉग जो है ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। मेरे अभी एक दोस्त ने फ़ोन किया है, वो कहता है कि जी उसने कुछ शॉपिंग करनी है एंड ही नीड्स माई कंपनी। मैं और मास्टर हम दोनों जा रहे हैं उसको कंपनी देने के लिए, उसने कुछ शॉपिंग करनी है। लॉकडाउन के बाद हमारी पहली शॉपिंग। अभी हम जा रहे हैं फारूक की गाड़ी की तरफ क्योंकि अपने रोड पर जगह नहीं मिलती पार्किंग की। रात को स्पेशली जब ये बंदा काम से आए ना तो पार्किंग का बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से हमें दूर जाके गाड़ी पार्क करना पड़ती है। दानिश भाई की तरफ वो भी आपको दिखाते हैं, वो उसको भी मिलाते हैं आपको। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। होपफुली इट्स गोना बी नाइस जर्नी, इट्स गोना बी नाइस डे, इट्स गोना बी नाइस एंड एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ वेंचर टुडे। और यस स्टे विद अस। हो गई यार, पिछले वाला भी हरन मार रहा है कि जाने दो हैं। तो राजा बाजार तो सुना था, ये रजा बाजार के हैं ये मेरे ख्याल में यार। ये जो लो वाओ लुक है दैट, यू नो द ट्रक फेस, कैन यू सी द ट्रक फेस? के साथ फारूक आराम से, प्लीज प्लीज लेट मी गेट टू द डेस्टिनेशन, डोंट किल मी। फारूक के साथ जब भी मैं बैठता हूँ यकीन करें कि डर ही लगा रहता है कि अल्लाह खैर ही करे। वैसे ड्राइवर ठीक है ये, पिछले तकरीबन को 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। पता नहीं यार कितना अच्छा हो गया, आई थिंक सो। अच्छा तो तकरीबन 10 साल हो गए फारूक को गाड़ी चलाते हुए ऑलमोस्ट। लेकिन फारूक जो है ना, आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड ड्राइवर बट ही इज अ क्रैप ड्राइवर। हम लॉकडाउन के बाद आई थिंक सो पहली दफ़ा जा रहे हैं शॉपिंग पे। अच्छा तो देखते हैं अब क्या पोजिशन है मार्केट में, देखते हैं आप वहाँ पर जा कर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर बाहर आलमराग की तरफ एक नज़र अपने नाजरीन को दिखाएं ना तो देखेंगे कि लोग काफ़ी बिजी हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हालांकि ये एक कैजुअल सा रोड है, ये कोई प्रॉपर शॉपिंग सेंटर नहीं है, लेकिन लोगों की चहल पहल है यहाँ पे, लोग चहल पहल में मसरूफ़ हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। आ रहे हैं उधर कितने जा रहे हो? व्हाई? एक काम है छोटा सा यार फारूक, वी आर गेटिंग लेट। अभी फारूक साहब को काम याद आ गया, प्लीज़ गेट बैक सून। या मैं उससे टिकट पता करके आता हूँ जी। तो फारूक ने पाकिस्तान का प्लान बनाया हुआ है, इज गोइंग टू आस्क अबाउट द टिकट और समथिंग, ही इज गोना गेट बैक इन अबाउट 5-10 मिनट्स। हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम फोर्थ शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी फार अवे। जी दानिश का मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ बीन विद मी विद फारूक सिंस सो लॉन्ग, वी नो ईच अदर सिंस सो लॉन्ग। और माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय, ही इज़ अ वेरी डिसेंट। नाजरीन के जी जो हमारे दानिश भाई हैं, ये इनको पंजाबी में बहुत अच्छे शेर जो है ना वो याद हैं, और ये बहुत अच्छा जो है ना पंजाबी जोक रखते हैं शायरी का। और अभी मैं इनसे फरमाइश कर रहा था कि दानिश भाई प्लीज़ एक शेर सुना दें, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर कोई अच्छा सा एक पंजाबी का शेर सुना दें। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इनका शेर सुनकर वो महजूज होंगे। तो दानिश भाई प्लीज़ हमारी अब नाजरीन को एक शेर सुना दें। रहना बेटे मामा, पता नहीं तू ले लाइसेंस है, देख लो फारूक यही बात मैं कर रहा था कि ये पता नहीं किस बंदे ने तुम्हें लाइसेंस दे दिया है। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो खुदा की कसम मैं एग्जामिनर होता मैं पहले दिन ही तुम्हें फेल कर दे। उसने मुझे बहुत दफा फेल किया है, फेल कर करके वो बेचारा तंग आ गया था, उसने भी पास कर दिया है। अच्छा फारूक इज अ वेरी नाइस एंड डिसेंट गाय, फारूक इज आई मीन मास्टर इज अ वेरी नाइस गाय, लेकिन यकीन करें कि इसने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ना इसने लाइसेंस पास किया है। तो
ठीक है, पांव नहीं पहुंचते ब्रेक पर यार क्या प्लीज यार ठीक है। अच्छा दानिश क्या प्लान है आपका आज, आपने क्या खरीदना है? यार आप उन्हें एक पंजाबी का शेर सुनाने दे प्लीज। थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे वो, उसके बाद काम पे जाएंगे, वो जो शॉपिंग की है वो पैसे पूरे करके लेंगे। वाह जी वाह, ये देखे हैं आज आपने, आज ही शॉपिंग करनी है, आज ही शाम को काम पे जाना है, आज ही वो पैसे पूरे करने हैं। जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। तो अच्छा एक पंजाबी शेर सुना देना प्लीज, आप क्यों मिलते करवा रहे हैं, मैं आपको गाड़ी से उतार दूंगा यहाँ प्लीज। चले दानिश भाई मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप अच्छा सा एक पंजाबी में शेर सुनाए। हुसन दी मस्ती मगरूर की तई या के मर्द मैदानी बिगाड़े आई, हाय 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 हाय, मेरा पुर सोज दिल लेके चल बाजी इन पैरां दे थल्ले उतारे आई। क्या बात है, मेरे दुश्मना दे सीने ठंड खातर आतिश इश्क तू मेरा साड़े आई। क्या बात है, ते साइम ओ मखलूक विच वसेगा कदू जिने वसदियां सानू उजाड़ी। क्या बात, थैंक यू जी दानिश भाई आपकी जबरदस्त जी जबरदस्त। दानिश ने जो है ना बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा एक हमें सुनाया है, पंजाबी में एक शेर सुनाया है जो फारूक को तो समझ आया होगा, मुझे भी आया लेकिन आई मीन इन डेप्थ आई डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एनी वे फारूक क्या है इसका, कोई सलीस उर्दू में बताए ना जरा प्लीज। इसका इन्होंने ये बताया जी, इसमें शायर बता रहा है कि वो हुस्न की खातर जो है ना उसने अपनी जिंदगी गवा दी और इश्क में वो इस तरह गर्क हो गया, इस तरह मस्त हुआ इश्क में कि वो भूल गया, दुनिया को भूल गया और आखिर में उसका हुस्न और वो जो जवानी थी वो सारी इसी आशिकी में ही गुजर गई और आखिरकार उस बेचारे को जो है ना उसने दुनिया को ये नसीहत की कि आपने दोबारा आशिकी नहीं करनी प्लीज क्योंकि आप गर्क हो जाएंगे अगर आप ये काम। हम अभी फोर्ट शॉपिंग सेंटर में पहुंच गए हैं, दानिश भाई ने नेक्स्ट की शॉप के सामने रुका है, इन्होंने कुछ शॉपिंग करनी है फॉर नेक्स्ट। ये अब नेक्स्ट और मार्क्स एंड स्पेयरिंग, अब हमसे तो होड़ नहीं हो पाती, मिलियन है रिच गाय, यस रिच गाय विद शॉपिंग हो रही है और हम नेक्स्ट में घुसे हुए हैं और लेना देना कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है नेक्स्ट की जो आइटम्स है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। गए थे और नेक्स्ट में तो इन लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं है ना, आई होप कि इनको कोई ना कोई चीज़ आज पसंद आ ही जाएगी। फारूक भी इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान जा रहा है और उसने भी शॉपिंग करनी है, मैं भी देखूंगा अगर कुछ चीज़ पसंद आ गई तो ले लूंगा, नहीं तो बैड लक नेक्स्ट टाइम। फोर्ट शॉपिंग सेंटर इज वेरी बिजी टुडे एंड इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ हियर वी गो। हमें शूज भी देखने हैं, ट्रैक सूट भी देखना है, लेकिन लेट्स सी इफ वी विल बी एबल टू गेट समथिंग। शूज तो पसंद आ गए हैं लेकिन अभी हमने ट्रैक सूट लेने हैं और लेट्स सी कि हमें ट्रैक सूट भी पसंद आ जाए, होपफुली इंशाल्लाह पसंद आ जाएगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई हम कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रगल में हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए। हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है और अब हम घर की तरफ रवाना हैं। दानिश ने शूज़ लिए हैं, मैंने भी एक ट्रैक सूट लिया है और मास्टर ने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। इवन दो ये बंदा कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने शॉपिंग करनी है, आई डोंट नो लाइक व्हेन ही इज गोना स्टार्ट डूइंग हिज शॉपिंग। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो मेरा जो भी ब्लॉग आए आप तक वो पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन Bye.